अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सना खान कुकिंग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं बनाने वाली हूँ मटकी मसाला ग्रेवी। तो देखिए, ये मटकी जो है मैंने सुबह भिगा दी थी। 4 से 5 घंटे हो गए हैं मटकी भिगे हुए। तो देखिए, मटकी के लिए हम मसाला रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली हूँ और इसे अभी हमें गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 चम्मच मैंने ऑयल डाली हूँ और मीडियम फ्लेम पे हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। 1 बाउल मैंने कोकोनट के पीसेस लिए हूँ, 2 चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन की कलियाँ ली हूँ और 1 चम्मच मैंने अदरक के पीसेस ली हूँ और ये 4 अक्खी मिर्ची डाली हूँ मैंने। तो इन सब को हमें मिक्स करके भून लेना है और 2 टमाटर डाली हूँ मैंने, इन्हें भी हमें मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, हरा धनिया डाली हूँ मैंने, तो ये भी हमारा हरा धनिया भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे और हमारा मसाला जो है पीस लेंगे और रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ऑयल ली हूँ 3 टेबल स्पून, उसमें मैंने ज़ीरा डाली हूँ 1 चम्मच और इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। कड़ी पत्ता डाली हूँ, 1 ऑनियन है उसके भी पीसेस कर लिए हमने, चॉप किया हुआ ऑनियन है। इन सब को हमें मिक्स कर लेना है। 1 टोमेटो चॉप किया हुआ, ये भी मिक्स कर लेंगे। इन्हें भी हमें हल्का भून लेना है, गोल्डन ब्राउन कर लेना है। 2 टेबल स्पून हमें यहाँ पे धनिया ज़ीरा पाउडर डालना है, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और ये हमारा पीसा हुआ मसाला जो हमने अभी रेडी कर लिए थे, पीस लेना है हमें इसे मिक्सर में अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, मसाला रेडी है और ये हम ऑयल में डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हमें अच्छे से भून लेना है। कवर किया है मैंने, थोड़ा ऑयल इसे इस पे आए मसाले पे, तो हम जो हमारा बॉईल किया हुआ मटकी है वो इसमें डाल देंगे। मटकी को मैंने 1 सीटी लगा ली थी, 1 ही सीटी लगाना है। अगर हम ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो हमारी मटकी जो है वो स्मैश हो सकती है। तो हमें मटकी को जो है अखा रखना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है हमने और इसे अच्छे से हमें पकने देना है। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा मसाला, ऊपर ऑयल आया है, मसाला जो है बहुत अच्छा लग रहा है। चॉप किया हुआ मैंने धनिया डाली हूँ और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे हम ऊपर से। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना था। देखिए, कलर भी बहुत अच्छा आया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए।